जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी मेडिटेशन की सीरीज चल रही है उसमें आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस के अद्भुत परिणामों को भी आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। सभी आदरणीय सदस्य जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप हमारी वीडियो देखते हैं, सभी से मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और कहूँगा कि आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें ताकि इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ा पाएं। आप लोगों के कमेंट बॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छे रिप्लाईज मेरे पास आ रहे हैं जिससे कि मुझे पता लग रहा है कि हम अनुभवकर्ता की जर्नी के लिए सब तैयार हैं और हम अनुभवकर्ता की जर्नी के अंदर चीज़ों को अनुभव करने लगे हैं। तो आज का टॉपिक जो ध्यान में है वो सबसे अलग है, ठीक है जी। और ट्रस्ट मी, ये ध्यान जो आज हम करने वाले हैं ये वैसे तो 2000 साल पुराना ध्यान है, बट जब हम मॉन्क मेडिटेशंस की बात करते हैं तो इस ध्यान को बोलते हैं दया, करुणा, प्रेम, प्रेमपूर्ण जीवन। बट किसके लिए दया, किसके लिए करुणा, किसके लिए प्रेम, किसके लिए प्रेमपूर्ण जीवन, ठीक है। जीवन में जब हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो हमें नेगेटिव विचार आते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं जीवन के अंदर और नेगेटिव विचार हमें दो तरीके के आते हैं, एक खुद को लेकर, एक दुनिया को लेकर। मतलब एक शब्द है आलोचना, मतलब बुराई करना। किसकी बुराई? सबकी बुराई। हम आज से नहीं करते आ रहे हैं आलोचनाएं, हम खुद की आलोचना और दुनिया की आलोचना सालों सालों से करते आ रहे हैं और हमारे ब्रेन का ये पैटर्न है कि जब तक हम आलोचनाएं करते रहेंगे तब तक हम अपने जीवन में मेडिटेशन का सुख नहीं नसीब कर सकते। कारण है, आज की डेट में 100 में से 99% लोग जो मेडिटेशन करते हैं उनके जीवन का एक सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि जी मेडिटेशन करते हुए विचार बहुत आते हैं, ठीक है जी। अब विचार आना स्वाभाविक है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विचार नेगेटिव आते हैं। अब नेगेटिव विचार क्यों आते हैं? क्योंकि ब्रेन के अंदर वो डेटा है, वो पैटर्न है और वो पैटर्न अपना काम करेगा। आप विचारों को नहीं रोक सकते किसी भी कीमत के अंदर, विचार तो आएंगे ही। सोचेंगे कि हमें बुरा क्या लगता है अपने जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बुरा लगती हैं और ऐसी भी घटनाएं हमारे जीवन के अंदर हुई हैं जहाँ पे हम गिल्ट फील करते हैं। बुरा लगना समटाइम्स हमें किसी और के लिए बुरा लगता है, समटाइम्स हमें खुद के लिए बुरा लगता है। आज की क्लास का मेन मोटिव है जो मेडिटेशन हमें करना है, इसका मेन मकसद है कि हम जो भी व्यक्ति हमसे नाराज हुए हैं उनके मन के अंदर अपने प्रति नाराजगी खत्म कर दें, अपने मन से उनके लिए बुरे विचार खत्म कर दें जो कि नामुमकिन लगता है बट हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और खुद से नाराज होना बंद कर दें। अगर हम खुद से नाराज होना बंद करेंगे तो ये मान के चलिए कि हम निरोगी हैं। अगर हम खुद से नाराज नहीं हैं तो जो व्यक्ति खुद से नाराज है उसके साथ रोग हैं, जो दूसरों से नाराज है वो फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, सैडनेस जैसी चीजों को लेके साथ में घूम रहा है। अगर मेडिटेशन की जर्नी के अंदर हमें आगे बढ़ना है, अनुभवकर्ता बनना है, मतलब मेडिटेशन को अनुभव करना है, तो फिर हमें आप ये मान के चलिए इस तरीके से ये वाला मेडिटेशन, इस तरीके के मेडिटेशन करने ही पड़ेंगे। आज हम आलोचनाओं पे गौर करेंगे जो हम खुद की करते हैं और जो हम दूसरों की करते हैं। और आज हम अंदर अपने अंदर ऐसे आँख बंद करने के बाद जो अंधेरा होगा उस अंधेरे में ऐसे प्रेम, करुणा और एहसास को जन्म देंगे जो ना सिर्फ हमारे लिए होगा बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब के लिए ये उतना ही असर करेगा। तो हमारे लिए आज का मेन चांस, आज का जो मेडिटेशन है उसमें सीखने के लिए है कि हम दूसरों के प्रति नाराजगी कैसे छोड़ सकते हैं। क्या हम, जैसे हमारा मन हमेशा आलोचनाएँ करता है और एक दूसरे की और हम इस तनाव में फंसे रहते हैं, तो हम आज समझेंगे कि हालात कैसे भी हों, हालात चाहे कैसे भी हों, हम
अपने मन से किसी के लिए बुरा शब्द आने ही नहीं देंगे, बुरा विचार ही नहीं आने देंगे, खुद को क्या खुद के लिए क्या दूसरों के लिए भी नहीं आने देंगे। ठीक है जी, इस मेडिटेशन को जो हम कर रहे हैं, इस मेडिटेशन में हम अपने मन से दोस्ती करते हैं। ठीक है, मन से दोस्ती करते हैं, मन की लगाम कसते हैं, मन को काबू में करते हैं। और जब मन से हमारी दोस्ती होती है तो हम मन को सिखाते हैं कि कैसे करुणा, प्यार और एहसास के साथ जिया जाता है, और जो बुरी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हैं, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट जैसी, उन चीज़ों से कैसे बाहर आया जा सकता है। देखिए, जैसे हर दिन हमारे लिए सूरज डूबता है और अगले दिन एक नई रोशनी लेके आता है, ऐसे ही हमारे मन के लिए एक नई शुरुआत करनी है हमें आज, और उसके लिए एक नया नई रोशनी लानी है। हमारे और हमारे मन के रिश्ते में हम सूर्य का यूज़ करेंगे। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, सूरज गर्मी भी देता है। तो हमारी अंतर आत्मा को हम रोशन करेंगे सूरज की तरह, और साथ के साथ अपने रिश्तों में, अपने मन के साथ हमारा रिश्ता खुद के लिए और हमारे रिश्ते जो दूसरों के लिए हैं उनके अंदर एक गर्माहट लेके आएंगे। तो सूरज से सीखेंगे आज हम दो बातें, रोशन करना और रिश्तों को गर्माहट में रखना, उस गर्माहट को अपने रिश्तों में महसूस करना और अपने जीवन को रोशन करना। जब हम बात करते हैं अपने जीवन के अंदर प्रेम और संतुलन की, तो मैटर करता है कि मेडिटेशन में ये हमारी कैसे मदद करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन में प्रेम और संतुलन हमारी कैसे मदद करता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं और जब हम बैठते हैं, तो अगर हमारे बैठते वक्त जो विचार हमारे पास आ रहे हैं, जैसे ही हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, उन विचारों में अगर संतुलन है और उन विचारों के अंदर प्रेम है, तो हमारी आत्मा की ग्रोथ होती है, हमारी आत्मा की ग्रोथ होती है। और जब हम आत्मा की ग्रोथ की तरफ फोकस करते हैं, तब हम पाते हैं कि हम कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं जहाँ पे हम मोह में नहीं है। ठीक है जी, मोह है ना, प्रेम मोह में नहीं है, क्योंकि जब मुझे किसी से शिकायत नहीं और किसी को मुझसे शिकायत नहीं, तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, इस बात का कोई डर नहीं, या फिर कोई व्यक्ति मेरे प्रति बुरा भाव लाएगा, इस बात का तो कोई डर है ही नहीं, बल्कि मेरे मन में किसी के लिए कोई ऐसा भाव नहीं है। तो हम करुणा को प्राप्त होते हैं, हम करुणा का एहसास कर पाते हैं, और जब हम प्रेम और करुणा का एहसास अपने जीवन में, अपने रिश्तों में करते हैं, तभी हम प्राकृतिक हैं, तभी हम जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तभी हम इंसान कहलाने के लायक हैं, जब हम प्रेम और करुणा के भाव को अनुभव करते हैं। अदरवाइज हमारे अंदर एक पशु प्रवृत्ति भी रहती है जो प्रेम और करुणा के भाव को उत्पन्न नहीं होने देती। तो हमें इस पशु प्रवृत्ति से भी बाहर आना है और हमें इस भाव को भी अनुभव करना है। ये ध्यान लगभग 2000 साल पुराना है। ठीक है जी, 2000 साल पुराना मतलब किताबों में है। वैसे इस ध्यान की जो पद्धति की बात की जाती है, ये सालों से, मतलब पता नहीं कितने युगों से चलता आ रहा है। साइंस ने भी इसके ऊपर काम किया है। इस ध्यान में इमेजिन करते हैं अपने अननोन लोगों को। इस ध्यान में हम इमेजिन करते हैं अनजान लोगों को। इस ध्यान में हम अपने नज़दीक रिश्तों को इमेजिन करते हैं, और इस ध्यान में हम अपने हर बिगड़े हुए रिश्ते को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो कितना पुराना है, चाहे वो कितना बिगड़ा हुआ है। वैसे हमने फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड जैसे मेडिटेशन पास्ट में भी करे हैं, बट इस ध्यान को हम और ज़्यादा साइंटिफिक वे में करने वाले हैं, और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने वाले हैं, और गहराई में जा के करने वाले हैं। सभी सदस्यों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब ये मेडिटेशन कर रहे हैं, सभी व्यक्ति कृपया करके ना मेहनत कीजिएगा। मतलब अगर एक मेडिटेशन को एक बार ट्राई करके आप सोच रहे हैं कि फल मिलेगा, तो मेरा जवाब बड़ा क्लियर है कि फल तो मिलेगा, लेकिन एक बार किया तो एक ही बार मिलेगा, और बार बार करेंगे तो बार बार मिलेगा। इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। तो जब साइंस ने इस मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च करी, तो पाया कि सबसे ज़्यादा प्रेम और करुणा महिलाओं में होती हैं। ठीक है जी, लेडीज़ में होती है, और लेडीज़ ही उससे ज़्यादा परेशान होती हैं, फीमेल ही उससे ज़्यादा परेशान होती हैं, और इसी वजह से एज कम्पेयर में फीमेल थोड़ा ज़्यादा शारीरिक रूप से परेशान रहती हैं। तो साइंस ने पाया कि जब लोगों पर मेडिटेशन करवाया गया,
तो फीमेल ने इस मेडिटेशन के ऊपर क्या रिप्लाई दिया फीमेल्स ने कि उसके बाद वो बड़ा हल्का महसूस कर रहे थे शरीर में, और कहते हैं जी वजन शरीर का नहीं है, वजन विचारों का आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर जो वजन है ना वो आपके विचारों का है, कि आपका विचार क्या है वही डिसाइड करता है कि आपका व्यवहार क्या है, ठीक है। तो बड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। नेगेटिव थॉट कब आता है दिमाग के अंदर, जब किसी व्यक्ति से मुझे घृणा है, किसी व्यक्ति से मुझे किसी प्रकार की नफरत है, या किसी प्रकार का बदला मेरा उसके साथ पेंडिंग है, तो नेगेटिव विचार आएगा। लेकिन जब हम पॉजिटिव विचारों की बात करते हैं, जब मेरा किसी के साथ कुछ है ही नहीं तो मैं पॉजिटिव विचार ही रखूंगा ना उस व्यक्ति के बारे में, या फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, तो मैंने अपने मन को फ्री कर दिया बिल्कुल वैसे ही, कि मैंने स्पेस दे दिया नए विचारों को आने का, और नए विचार पे तो मैं बड़ा श्योर हूँ कि जो भी विचार मेरे दिमाग में आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और हमने पुराने विचारों को, रिवेंज को, गुस्से को, सैडनेस को, फ्रस्ट्रेशन को, नेगेटिविटी को अपनी बॉडी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। ये इतने पावरफुल मेडिटेशंस हैं जो कि 15-15 मिनट के ध्यान है, ये 15-15 मिनट के, जो कि जीवन में यू टर्न ले आते हैं, मतलब आपकी लाइफ के अंदर ऐसा यू टर्न आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस ध्यान में हम सोचेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जो हमसे रूठे हुए हैं या जिनसे हम रूठे हुए हैं, जो हमारे लिए जानकार हैं या जो हमारे जानकार नहीं हैं। इस ध्यान में हम उन सब चेहरों को खुश देखेंगे अपने साथ और अपने रिश्तों को रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है जी। आप समझिए थोड़ा सा अभ्यास इस ध्यान की नीड है, इसके अलावा आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चलानी है, कुछ नहीं सोचना कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो या कहाँ पे आप सही हो। बस आप तो एक ही बात मेरी मान लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात आपको, मिरेकल हैपन, आपके रिश्तों में मिरेकल स्टिक चेंज आएगा, मिरेकल्स होंगी, ब्रेन वेव्स काम करेंगी। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो हम दुनिया के प्रति भी प्यार का नजरिया रखेंगे, हम खुद की आलोचना करेंगे तो दुनिया के प्रति भी हमारा आलोचना करने का रवैया रहेगा। अगर हम खुद को प्यार करते हैं तो दुनिया के सामने हम प्यार का एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, दुनिया के सामने हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं, दुनिया का नज़रिया बदल सकते हैं और दुनिया भी हमसे प्यार करेगी। कहते हैं ना कि जी जो अपना भला नहीं कर सकता उसका कोई भला नहीं कर सकता, मतलब रोटी आपके सामने रखी है थाली के अंदर और आप उसको उठा के खाने का कष्ट नहीं कर रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि हे भगवान मैं तो भूखा रह गया, तो मतलब भगवान भी कहेगा जी अपना भला नहीं कर सकता उसका कोई भला नहीं कर सकता। तो ये है, अब आप समझ रहे हैं कि पेच कहाँ फंसा हुआ है। हमारे ब्रेन वेव्स होते हैं, एनर्जी है, अगर आप ऐसा मेडिटेशन करोगे तो दूसरे व्यक्ति के दिमाग में फर्क जरूर जाएगा, मतलब दूसरा व्यक्ति बदलेगा जरूर है नहीं हाउ आपके लिए। तो हमें आलोचना नहीं करनी, दिल का बोझ कम करना है, दिल में बोझ नहीं रखना, खुद से प्रेम का अनुभव करना है, शांति का अनुभव करना है, जीवन में हर प्रकार के सुख का अनुभव करना है। बड़ी मुश्किल से मिलता है जीवन, और इस जीवन को हमें हर पल जीना है, हर पल जीना मतलब हर पल जीना है, किसी भी पल हमें ये नहीं सोचना कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरे साथ वैसा हुआ। इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हर एक सेकंड इंजॉय करो। शरीर के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर भी करुणा का भाव पैदा करना है हमें, हम उस ईश्वर से नज़र मिला पाए जब जाएं, तो जब भी उससे मुलाकात हमारी हो तो हम उस ईश्वर से, उस भगवान से नज़र मिला पाए और कह पाए कि मैंने करुणा सीखी है, मैंने ग्रेटिट्यूड सीखा है, मैंने अपने जीवन में अंधेरे में उन चीज़ों को जन्म दिया आंख बंद करके अपने ब्रेन के अंदर जो मेरे ह्यूमन होने के पर्पस को सिद्ध करता है। बस इतना। तो चलिए आज का ध्यान शुरू करते हैं, और आज के ध्यान के लिए हम वही रूल फॉलो करते हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं। रूल नंबर 1, सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्टेबल आप सेट हो जाएं, सिट कंफर्टेबली, लेट के या बैठ के या जिस पोस्चर में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है उस पोस्चर में बैठ के आप मेडिटेशन करें, और किसी भी प्रकार का आपको ऐसा पोस्चर नहीं लेना जिससे आपको शरीर लेटते हुए या बैठते हुए मेडिटेशन करते हुए आपके शरीर को असुविधा हो, बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, एकदम एनर्जेटिक रहेंगे। तो एक मिनट के अंदर आप लोग अपने आप को सेटल डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने समंदर से सीखा, हमने अर्थ से सीखा, हमने आसमान से सीखा, आज हम सूर्य की बात करेंगे। सबसे पहले सिट कंफर्टेबली। इस ध्यान का रूल है कि आप इसे खुली आंखों से भी कर सकते हैं, बंद आंखों से भी कर सकते हैं। इस ध्यान की ये पावर है कि आप इसे किसी भी पोस्चर में भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे भी कर सकते हैं। खुली आंखों से हल्का सा फोकस करेंगे, आंखों पे वजन नहीं डालेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करेंगे। आसपास की चीज़ों को एहसास करेंगे, आसपास की आवाज़ों को, कितना टेम्परेचर है, ठंडे हैं या गर्म हैं, शरीर को कंफर्टेबल करेंगे और थम जाने का, रुक जाने के एहसास को अनुभव करेंगे, एहसास को अनुभव करेंगे। धीरे 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 खुद को महसूस करते हुए, धीरे धीरे खुद को महसूस करते हुए आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। खुद को एक शांत जगह पर महसूस कीजिए, खुद को एक शांत जगह पे महसूस कीजिए जो आपकी फेवरेट जगह है, मतलब अपनी फेवरेट डेस्टिनी में खुद को बैठे हुए इमेजिन कीजिए। अपनी फेवरेट डेस्टिनी में खुद को बैठे हुए इमेजिन कीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक के माध्यम से सांस लीजिए और मुंह के माध्यम से सांस बाहर निकालिए। सांसों को अंदर लेते हुए फेफड़ों को फूलना और सांसों के बाहर आते ही मांसपेशियों को रिलैक्स होना महसूस कीजिए। हर एक सांस को लेते हुए खुद को बोलिए शांत, शांत, शांत। खुद के शरीर पर ध्यान दीजिए, शरीर के सारे अंगों पर ध्यान दीजिए और देखिए किस अंग में क्या हो रहा है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए, सारा ध्यान नाक सांसों पर ले आइए। महसूस कीजिए जब आप नाक से सांस ले रहे हैं तो जो हवा आ रही है वो नाक के किस हिस्से को छू रहा है। उस हवा को नाक पर महसूस कीजिए। ध्यान दें कि आप किस तरीके से सांस लेते हैं, अपनी नाक में अंदर आने वाली हवा को महसूस करें, नाक के किन हिस्सों को यह हवा छूती है उसे महसूस करें।
आपके शरीर का कौन सा हिस्सा हर सांस के साथ हिल रहा है? अपने सांस की गहराई, रफ्तार और ताल को बारीकी से महसूस करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस को महसूस करें, किसी प्रकार की आलोचना ना करें सांस की, किसी प्रकार का बदलाव ना करें, किसी प्रकार का जोर ना डालें। आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। धीरे 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 हम खुद को महसूस करना शुरू करेंगे और महसूस करेंगे कि हम सूरज की रोशनी की धूप के कतरे मेरे शरीर पर पड़ रहे हैं, उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, सूर्य की रोशनी की गर्माहट को महसूस करेंगे और देखेंगे कि यह रोशनी मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। सूर्य भगवान की रोशनी मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, उस रोशनी को महसूस करेंगे और उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे। जैसे जैसे वो रोशनी, जैसे जैसे हम उस रोशनी को महसूस करेंगे, वैसे वैसे हम अपने भीतर के सारे विवादों को छोड़ने को भी महसूस करेंगे कि भीतर जो भी गुस्सा है, जो भी विवाद हैं, जो भी नाराज़गियाँ हैं, जो भी सैडनेस है, वो सब हम छोड़ रहे हैं, वो सब सूरज की रोशनी में जल रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। और आप सभी प्रकार के गुस्से को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, सभी प्रकार के गुस्से को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि सूर्य की रोशनी सारी दिशाओं में फैल रही है, सारी दिशाओं में फैल रही है, सारी दिशाओं में फैल रही है। महसूस कीजिए। पूरे शरीर पे रोशनी की गर्माहट को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए यह गर्माहट आपके अंदर एक नई खुशियों भरी ऊर्जा और सहजता को लेकर आ रही है। यह गर्माहट आपके जीवन में एक नई खुशी भरी ऊर्जा और सहजता को लेकर आ रही है। सारे तनाव और विवाद शरीर से निकल गए हैं। अगर मन भटक रहा है तो उसे भटकने दीजिए, यह स्वाभाविक है। आप ये नहीं सोचिए कि आप कोई गलती कर रहे हैं, इस मेडिटेशन में अभ्यास की ज़रूरत होती है। जैसे ही मन भटके, अपना ध्यान हमें अपनी सांसों पर ले जाना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस बाहर निकालना है। अब धीरे धीरे कल्पना करते हैं कि जो व्यक्ति हमसे नज़दीक है
और हमसे नाराज है, अब हम उस व्यक्ति को अपनी जगह पर रखते हैं, उस व्यक्ति को अपनी जगह पर रखते हैं और सेम तरीके की एक्टिविटी करते हैं कि सूरज की रोशनी उनके शरीर पर पड़ रही है और जो गर्माहट उनका शरीर महसूस कर रहा है उसमें सारे विवाद खत्म होते चले जा रहे हैं, उसमें सारे विवाद खत्म होते चले जा रहे हैं, सारे विवाद खत्म होते चले जा रहे हैं। सेम एक्सरसाइज दोहराएंगे, उस व्यक्ति को इमेजिन करेंगे और खुद की जगह हम उन व्यक्ति को इमेजिन करेंगे और चाहेंगे कि और उनके जीवन में भी सूरज की तरह रोशनी आ रही है, आनंद आ रहा है और रिश्तों में गर्माहट आ रही है। अब हम ये अभ्यास तब तक करेंगे जब तक हम उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा खुश देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत खुश है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई गुस्सा, सैडनेस, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ नहीं है। आसपास शांति की परम गहराइयों को महसूस कर पा रहे हैं। शांति की गहराइयों को महसूस कर पा रहे हैं। हर सांस के साथ और गहराई और गहराई और गहराई को महसूस कर पा रहे हैं। हर एक सांस के साथ हम खुद को मेडिटेशन की और गहराई में महसूस कर पा रहे हैं। इस शांत अवस्था में हम अपने आप से पूछेंगे, क्या आप खुद से प्यार करते हैं? क्या आप खुद से प्यार करते हैं? क्या आप खुद को जैसे हैं वैसा स्वीकार करते हैं? आप शायद पहले से ही अपना जवाब जानते हैं, शायद इसीलिए आप यह अभ्यास कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें, नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें और अपने आप से पूछें, वह क्या कारण है जो आपको अपने आप से प्यार करने से रोक रहा है? वह क्या कारण है जो आपको खुद से प्यार करने से रोक रहा है? उस कारण को समझें और खुद के लिए दया भाव रखें। उस कारण को समझें और खुद के लिए दया भाव रखें। जीवन में आपका खुद से प्यार ना करने के पीछे कोई भी कारण हो, बट अब आप खुद को खुद से प्यार करने की अनुमति दें। खुद से कहिए कि मैं जीवन के किसी भी संकट के दौर से या मुश्किल के दौर से चाहे गुजरूं, बट मैं खुद से
प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करूंगा, चाहे मैं कभी हार का सामना करूं या जीत का सामना करूं, पर मैं खुद से प्यार जरूर करूंगा। खुद के लिए हमेशा प्यार का भाव रखूंगा। चाहे मेरे जीवन में कोई भी गिल्ट है, कोई भी नाराजगी है या किसी भी प्रकार की शर्म है, फिर भी मैं खुद से प्यार करता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, फिर भी खुद से प्यार करें? खुद को अच्छा बनने की अनुमति दें, खुद को अच्छा बनने की अनुमति दें। अपने अंदर एक हल्केपन को महसूस करो, अपने हार्ट चक्रा पर, अपने हार्ट पर हाथ रखिए और एक हल्केपन को महसूस कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और एक हल्केपन को महसूस कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और एक हल्केपन को महसूस कीजिए। खुद को हल्का महसूस कीजिए। अब आप इमेजिन करें कि आप एक शीशे के सामने हैं, एक दर्पण के सामने हैं, एक आईने के सामने हैं और वहाँ पर खुद को देखिए, खुद को मिरर इमेज में देखिए, शीशे के सामने देखिए, खुद की आंखों में देखिए, अपनी इमेज में देखिए, अपनी आंखों में देखिए और खुद को बोलिए, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, मैं आपको महसूस कर रही हूँ। खुद को देखिए और बोलिए, मैं आपको समझता हूँ, मैं आपको समझती हूँ, मैं आपको माफ करता हूँ, मैं आपको माफ करती हूँ। आप जैसे भी हो मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आप जैसे भी हो मैं आपको स्वीकार करता हूँ। आप जो हैं उसके लिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप जो हैं, जो से हैं, उसके लिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। खुद को मिरर के सामने रखकर बोलिए, आप जो हैं, जैसे हैं, उसके लिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं अब प्यार करने के लिए और प्यार पाने के लिए तैयार हूँ। मैं अब प्यार करने और प्यार पाने के लिए तैयार हूँ। मैं अब प्यार करने और प्यार पाने के लिए तैयार हूँ। खुद को सबके साथ खुश महसूस कीजिए। मैं खुद के प्रति नाराजगी और आलोचनाओं को बंद करता हूँ, खत्म करता हूँ। मैं खुद के प्रति
सारी नाराजगी और बुरे विचारों को ख़त्म करता हूँ। मैं खुद के प्रति अशब्दों को ख़त्म करता हूँ। मैं खुद को, खुद का पालन अच्छे विचारों से करने की अनुमति देता हूँ। मैं खुद की करी हुई पास्ट की गलतियों के लिए खुद को माफ करता हूँ और दूसरों को भी माफ करता हूँ। मैं दूसरों को प्यार और दया दिखाता हूँ। मैं दूसरों को प्यार और दया दिखाता हूँ। मैं लोगों के साथ गहरे और अच्छे रिश्ते रखना पसंद करता हूँ। मैं लोगों के साथ गहरे और अच्छे रिश्ते रखना पसंद करता हूँ। मैं खुद को माफ कर दिया है। मैं सबके साथ बेशर्त, अनकंडीशनल, निस्वार्थ रिश्ते रखता हूँ। मैं सौम्य, दयालु और धैर्यवान हूँ। मैं सौम्य, दयालु और धैर्यवान हूँ। मैं खुद का समर्थन करता हूँ। मैं हमेशा खुद का समर्थन करता हूँ। मैं सौम्य हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं दयावान हूँ। मैं अपनी कमियों को भी प्यार से स्वीकार करता हूँ और बेहतर बनने के लिए प्रयास करता हूँ। मैं अपना, अपने शरीर का और अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ। मैं अपना, अपने शरीर का और अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ या रखती हूँ। मुझे खुद से बहुत प्रेम है। मैं अपने इनर वर्ल्ड से, अपने अंतर्मन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने आंतरिक बाधाओं और प्रतिरोध का सामना आसानी से कर सकता हूँ। मैं अपने घावों को सिर्फ अपने प्रेम से भरता हूँ। मैं अपने घावों को सिर्फ अपने प्रेम से भरता हूँ। मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मैं शांत हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और इन सारी अफर्मेशंस को अपने दिल में समाने देंगे। इन सारे शब्दों को अपने दिल के अंदर समाने देंगे। जिनके प्रति हमारी नाराज़गी है, उनके साथ हम अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करेंगे। हम उनके साथ अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करेंगे। अपनी तरफ से सारी नाराज़गी ख़त्म करेंगे और इमेजिन करेंगे कि वो भी इसी तरीके का मेडिटेशन कर रहे हैं और यही अफर्मेशन दे रहे हैं। वो भी इसी तरीके का मेडिटेशन कर रहे हैं और इसी तरीके से रिश्तों को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब हम धीरे 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 अपनी सांसों पर वापस आएंगे, अपनी सांसों पर वापस आएंगे और अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अपनी सांसों को महसूस करेंगे
आसपास के टेम्परेचर को महसूस करेंगे, टेम्परेचर को महसूस करेंगे और अपने शरीर को महसूस करेंगे। आंखें खोलने से पहले एक पल रुकेंगे, रुकने का मज़ा लेंगे, थमने का मज़ा लेंगे, शांत रहने का मज़ा लेंगे और महसूस करेंगे यह पद्धति ट्राई करने के बाद, यह मेडिटेशन ट्राई करने के बाद हमारे शरीर को कैसा लग रहा है, हम कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, हम कितना शांत महसूस कर रहे हैं, महसूस करेंगे। तो धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे और आसपास की चीज़ों को महसूस करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हल्के हल्के से हम अपनी आंखें खोलेंगे और आसपास की चीज़ों को महसूस करना शुरू करेंगे। यह अभ्यास हमें कम से कम लगातार 20 से 30 दिन करना चाहिए। अगर 20 से 30 दिन आप ये अभ्यास लगातार करते हैं तो मैं आपसे गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो रिश्ते जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं सालों साल पहले, लेकिन हमारे मन में उनके घाव हैं, हमारे मन में उन रिश्तों के यादें हैं और हम उन रिश्तों से कम बैक नहीं कर पा रहे, या फिर हम उन रिश्तों को रिपेयर करना चाहते हैं और वो रिश्ते रिपेयर करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आप मान लीजिए कि वो रिश्ते में आप कम बैक भी कर पाएंगे, वह रिश्ते रिपेयर भी होंगे, या फिर जीवन में उन रिश्तों की वजह से आपके जीवन में जो पेन है वो पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आप एक नई शुरुआत कर सकेंगे, आपके मन के साथ आपकी दोस्ती और आपके जीवन में प्यार और करुणा की एक नई शुरुआत होगी, आपके रिश्तों में गर्माहट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी और आप अपना आशीर्वाद मुझे जरूर से जरूर देंगे। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी मेरी ईश्वर से आपके लिए सदा ही प्रार्थना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति यह वीडियो देखे वो अनुभवकर्ता की जर्नी में जल्द से जल्द प्रवेश करे, उसके जीवन में बड़े से बड़े बदलाव आए और वो खुद का जागरण करे, समाज का जागरण करे, प्रकृति के लिए काम करे, व्यक्ति निस्वार्थ भावना से यूनिवर्स में अपनी प्रेजेंस और कंट्रीब्यूशन करे, ऐसी मेरी ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।